नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पुरानी कारों के टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश भर के कार डीलर्स ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर और पुनः रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश भर के कार डीलर्स ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सर्किल पर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। राजस्थान व्यापार संगठन पुरानी कार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन देकर टैक्स में राहत की मांग की। जयपुर में धरना स्थल पर प्रदेश स्तरीय सैकड़ों डीलर्स ने एक स्वर में कहा कि पुराने टैक्स को यथावत रखा जाए, साथ ही चेतावनी दी कि आगामी 15 दिन में राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता महेश पारिक ने बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों से खरीदी गई लगभग 300 कारों का प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे करीब 2.5 करोड़ रुपये राज्य सरकार को टैक्स के रूप में राजस्व प्राप्त होता है। महीने में करीब 50 करोड़ रुपये टैक्स प्राप्त होता है। अब नए बजट में टैक्स में बढ़ोतरी करने के निर्णय से प्रदेश के 30,000 कार डीलर्स प्रभावित होंगे। एकत्रित हुए हैं और हम सभी जितने भी हैं, कोई जोधपुर से आया हुआ है, कोई अलवर से आया हुआ है, कोई भरतपुर से आया है, कोई गंगानगर से आया है, कोई कोटा से आया है, कोई भीलवाड़ा से आया है, कोई राजसमंद से आया है, पूरे प्रदेश के गंगानगर से आया है, कोई पूरे प्रदेश के लोग हम एक साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर भाजपा सरकार द्वारा 10 जुलाई को जो टैक्स की आरटीओ के टैक्स के अंदर बढ़ोतरी की गई है, उसको लेकर के हम अपनी सरकार से मांग रखने के लिए आए। पिछले 15 दिन से हमारा ये आंदोलन हर पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर चल रहा है। तो सरकार से हम ये मांग रखते हैं कि इस टैक्स को जो कर बढ़ाई गई है, इसको वापस लिया जाए। राजस्थान के अंदर जो 12.5% ट्रांसफर का टैक्स लगता था, उसको इन्होंने 25% बढ़ाकर के यानी 100 टाइम कर दिया है। इसको हमारी सरकार से मांग है, किसी भी अन्य राज्य के अंदर, कहीं भी, भले वो गुजरात हो, भले दिल्ली हो, भले हरियाणा हो, भले पंजाब हो, भले चंडीगढ़ हो, जब किसी भी राज्य के अंदर इतना टैक्स नहीं लगता, ओनली मात्र हस्तांतरण की, ट्रांसफर की फीस लगती है। तो हम भी सरकार से ये निवेदन करते हैं, सरकार को ये जताना चाहते हैं कि राजस्थान में भी सिर्फ ट्रांसफर की फीस ली जाए। अन्य राज्यों की जो गाड़ियां दिल्ली से, हरियाणा से यहाँ जयपुर ला करके राजस्थान नंबर करवा करके, रजिस्टर्ड करवा करके भेजते हैं, हमारे पास इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं पूरे प्रदेश के अंदर, कम से कम 5,000 से ज्यादा गाड़ी खड़ी है। मोदी सरकार द्वारा, भाजपा भजनलाल सरकार द्वारा रात को एक जैसे फोन का बटन बंद कर दिया जाता है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है, ऐसे रात को इन्होंने अपनी ऑर्डर निकालते हैं। सुबह हम नींद से उठते तो हमें पता लगता है कि हम सारे व्यापारी लोग, जितने भी हैं, लाखों लोगों का रोजगार, हम बेरोजगार हो गए, हमारा रोजगार चौपट हो गया।